और निगरान वफाकी हुकूमत ने आते ही पूरी ब्यूरोक्रेसी तब्दील कर डाली। डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत चीफ सेक्रेटरी सिंध को हटाकर मोहम्मद फ़खर आलम इरफान को चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात किया गया। बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज भी तब्दील कर दिए गए। कैप्टन रिटायर मारूफ हक नए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद बन गए। निगरा वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत ओहदे से फारिग, ग्रेड 22 के मोहम्मद फखर आलम इरफान चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान अब्दुल अजीज अकीली भी ओहदे से बरतरफ। शकील कादिर खान सूबे के नए चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर। मोहम्मद उस्मान चाचड़ की जगह दाऊद मोहम्मद दरीच को चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर बना दिया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी तब्दील। कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक नए चीफ कमिश्नर तैनात। एडी ख्वाजा सेक्रेटरी इंसानी हुकूक, सैयद आसिफ हैदर शाह सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली, हुमैरा अहमद सेक्रेटरी कौमी वर्सा और सैयद अली मुर्तजा सेक्रेटरी आबी वसाइल मुकर्रर। अली रजा भुट्टा सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारा सईद स्पेशल सेक्रेटरी तिजारत और एजाज असलम डार स्पेशल सेक्रेटरी काबीना तैनात। यावर हुसैन की जगह मुस्तफा जमाल काजी DG पासपोर्ट तैनात। मोमिन आगा एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज पेट्रोलियम, मोहम्मद महमूद एडिशनल सेक्रेटरी कौमी तहफ्फुज खुराक और डॉक्टर शहजाद खान बंगश सेक्रेटरी हाउसिंग तैनात कर दिए गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।